तलबा व तालबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान ब्राय जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है, जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। ठीक है, अब आप इसकी स्टेटमेंट को देखें, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफ ईच। ठीक है, तो अगर एग्जिस्ट करता है तब हम उसे कैलकुलेट करेंगे, फर्दर सॉल्यूशन उसका करेंगे। ठीक है, अब हम आपके साथ इसी का ही एक पार्ट शेयर मैं आपके साथ कर रहा हूं, जो कि है पार्ट नंबर 1। ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ठीक है, ऑर्डर है 2x2, -1, 3, 3, 2, 0, -1, 3, 2, 0। ठीक है, ये आपके पास डिटरमिनेंट और एक मैट्रिक्स सॉरी गिवन है। आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होगा। उसका फॉर्मूला ये है, 1/a का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों की मर्जी, आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, डिटरमिनेंट को। ठीक है, डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड करते हैं a मैट्रिक्स का। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ उसे, आप लोग तो वही स्टेप्स जो आपको मैंने पहले करवाए थे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के, वो सारे स्टेप्स आप लोग करेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -1 × 0, 1 × 0, -2 × 3। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -1 × 0 = 0, -2 × 3 = 6। ऐसे ही है, तो हमारे पास फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए का डिटरमिनेंट, क्या आ गया, -6। सो -6 हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, इनकी जगह चेंज करनी है, 0, -1 चेंज कर दी जगह, मैंने -1 नीचे ले गया, 0 ऊपर ले गया, इनके साइंस चेंज कर देंगे, -3 और -2। ठीक है, ये आपका आ गया एडजॉइंट। अब हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये जो हमने फाइंड आउट किया है वो इस फॉर्मूला में पुट कर दिया आपने, जस्ट क्या होगा, 1/a के डिटरमिनेंट की जगह -6 पुट कर देंगे, क्योंकि उसका आंसर -6 आया। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हम इस मैट्रिक्स को जो हमारे पास एडजॉइंट का आया उसे कर देंगे, लिख देंगे 0, -3, -2 और -1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको मैं नेक्स्ट बोर्ड पे करवा रहा हूँ। ठीक है,
जहाँ पे आपके पास इतना आपका सॉल्यूशन आ चुका है, अब आपने क्या करना है, जस्ट डिवाइड कर देना है, ठीक है। माइनस सिक्स है ना, ये आपका वन तो मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, तो एज इट इज आपका मैट्रिक्स है। अब आप डिवाइड करेंगे माइनस सिक्स से, हर एंट्री को आपने माइनस सिक्स से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ये आपके पास ये आएंगी, आपने क्या करना है, जीरो माइनस सिक्स माइनस सिक्स, ठीक है, माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस सिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है माइनस टू माइनस सिक्स माइनस टू माइनस सिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस वन माइनस सिक्स माइनस वन एंड माइनस सिक्स, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इनकी जो कटिंग है पॉसिबल कटिंग वो आप लोग कर देंगे। मैं आपको ज़रा सेटअप कर लूँ थोड़ा सा, आप देखें मेरा, आप ये आगे आपके पास पॉसिबल कटिंग आपकी जो हो सके वो आप करेंगे किस तरीके से। ये आपके पास जीरो ओवर माइनस सिक्स है तो ये जीरो आंसर ही आएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे बटे में है, थ्री वन आर थ्री थ्री टू आर सिक्स, तो ये आ जाएगा वन बाय टू आपका आंसर। यहाँ भी आपका माइनस माइनस कैंसिल, टू वन आर टू टू थ्री आर सिक्स, ये वन बाय थ्री आपका आंसर आ गया, ये भी माइनस माइनस कैंसिल और वन बाय सिक्स आपका आंसर आ गया। सो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए जो है वो क्या आ गया, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए आ चुका है, ठीक है। सो ये था मुकम्मल क्वेश्चन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करने का। अब आपके साथ मैं एक और पार्ट इसका शेयर करूंगा ताकि आपको मजीद जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। तो आंसर भी हमारा जो है वो एग्जैक्ट आ चुका है, ठीक है। आप नेक्स्ट में आपके साथ एक और पार्ट शेयर करता हूँ, इसको आप इरेज कर देते हैं। सो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोग इसका पार्ट सी जो है वो सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर थ्री में सॉल्व करूंगा आपके सामने, क्या है ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसका पार्ट नंबर थ्री आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। सी आपका इक्वल है मैट्रिक्स गिवन है, क्या मैट्रिक्स है, माइनस टू सिक्स माइनस टू सिक्स थ्री माइनस नाइन, ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है सी मैट्रिक्स, ठीक है। इसका उसने कहा है आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी सी माइनस वन, ये निकालना है आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आप क्या करेंगे कि सी का सबसे पहले डिटरमिनेंट ले लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वन ओवर सी का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी, वेरिएबल आपने वही लेना है जिससे आपने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि आप लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, सी डिटरमिनेंट माइनस टू सिक्स थ्री माइनस नाइन, ठीक है, क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट, माइनस टू इंटू माइनस नाइन, माइनस का साइन थ्री इंटू सिक्स, माइनस टू इंटू माइनस नाइन थ्री इंटू सिक्स, ठीक है, माइनस के साइन के साथ। अब देखें माइनस माइनस प्लस टू नाइन आर एटीन, आगे माइनस का साइन थ्री सिक्स आर एटीन, सो एटीन कैंसल्स विद माइनस एटीन एंड आंसर इज जीरो। सो सी डिटरमिनेंट हमारे पास जीरो के इक्वल आ गया। अब जिसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए वो आगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। आगे आप लोग इसके नीचे एक छोटा सा लिख देंगे, सी माइनस वन डज नॉट एग्जिस्ट, सी माइनस वन यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी डज नॉट
एग्जिस्ट, ठीक है। ये पार्ट मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया कि आप लोग कहीं ये ना समझें कि आगे इसको सॉल्व क्यों नहीं किया फर्दर, और पता नहीं आप क्या नाम है फर्दर सॉल्यूशंस देखते रहें डिफरेंट टेक्स्ट वो की बुक्स से, तो वहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं होगा। सो इसका मतलब कि इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट ही जीरो आ गया। जब डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा नेक्स्ट फर्दर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकेगा, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट ये देखिए ना, आपका जब ये ही आपका जीरो हो जाएगा तो फिर आप क्या इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपका डिवाइड हो जाएगा ना जीरो हर एक एंट्री से, तो आपका आंसर जीरो आएगा। तो सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब आपके साथ एक पार्ट शेयर करता हूँ, डी बटे में दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री का डी पार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आपने इतना ही करना है जितना मैंने आपको करवाया, ठीक है। इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपके पास डी पार्ट है, डी आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एंट्रीज जो हैं वो बटे में दिए हुए हैं 1/2, 3/4, 1/2, 3/4, 1 और 2, ये आपके पास जो है वो डी मैट्रिक्स गिवन है और कहा हुआ है हमें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं बगैर जो है टाइम वेस्ट किए। डी इनवर्स 1/d डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी, ये फॉर्मूला। सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, डी डिटर्मिनेंट डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप पूरे स्टेप से करेंगे, 1 × 2 डायगोनल को इनसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 1/2 × 2 ऐसे ही, माइनस का साइन यूज करूंगा, 1 को 3 और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3/4 से, 1 × 3/4, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये 2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक ऊपर है और एक नीचे है बटे के, ठीक है। तो आंसर हमारा फाइनल 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 3/4 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 ही आएगा, 3/4 का मतलब 3/4 एज इट इज ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्दर आप इसको सोल्व कर सकते हैं एलसीएम के थ्रू क्योंकि दरमियान में माइनस है, प्लस या माइनस हो हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा हमारे पास 4। सो यहाँ पे आपके पास 1 है, 1/4 एंड 4 को आगे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 1 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 4। माइनस 4, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आएगा आंसर, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। डी डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारा आंसर फाइनल, 4 − 3 दैट इज 1 और नीचे वाला 4 वैसे ही। डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है वो आपके पास आ चुका है जो कि है 1/4, ठीक है। 1/4 आपका डिटरमिनेंट आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिफरेंट मार्कर यूज कर लेता हूं, एडजॉइंट ऑफ डी, डायरेक्ट एडजॉइंट लिखते हैं हम लोग जो आएगा इसका, क्या होगा एडजॉइंट इसका, सिंपल इनकी जगह को रिप्लेस कर देना है हमने, इंटरचेंज करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 1/2 साइड पे चला जाएगा, ठीक है। इनके साइंस चेंज कर देंगे, -1 आ जाएगा और वो -3/4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको इतनी समझ आ गई, ठीक है। अब मैं इनकी बोर्ड की जरा रिप्लेसमेंट कर दूँ ताकि फर्दर सॉल्यूशन कर सकें। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हम लोग इसको डिफरेंट मार्कर यूज कर लेते हैं। सो डी इनवर्स इक्वल है हमारे पास 1/d डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी,
ऐसा ही है कि हमारे पास डी इनवर्स है 1/d डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी, ठीक है। सो हम लोग इसकी जगह इनकी वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 1/d के डिटरमिनेंट क्या आया था, 1/4, 1/4, मैं एज इट इज ऐसे ही पुट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि फिर आपको इस चैप्टर समझाऊंगा कि किस तरीके से किया मैंने, ठीक है। आगे आपके पास एडजॉइंट ऑफ डी ये आया था, ये लिखते हैं, ये 2 - 3/4 -1 1/2। अब ये मैंने किस तरीके से करना है, ये देखिए, 1 इज एज इट इज ही रहेगा, जब ये जब ऊपर जाएगी ना तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 1/4 है, ठीक है। सो ये आपका क्या आ जाएगा, 4/1, ठीक है, 1/4 है, जब ऊपर जाएगा तो उल्ट हो जाएगा, बटा खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा और 4/1 आ जाएगा, ठीक है, यानी उल्ट हो जाएगा, 1/4 था तो 4/1 आ गया। नेक्स्ट आप सेम एज इट इज मैट्रिक्स लिख देंगे, 2 - 3/4 -1 और 1/2, ये आंसर आ जाएगा 4। आगे आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा जो आपका है 2 - 3/4 -1 और 1/2, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इनको डिवाइड कर देते हैं सबको 4 के साथ, 4 के साथ डिवाइड कर देंगे 2/4, ओ सॉरी डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 4 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4 -3/4 × 4 -1 × 4 और 1/2 × 4, ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब इनको आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, आपका फाइनल आंसर जो है 2 × 4 = 8 आ जाएगा, 4 × 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 आ जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। सो ये है आपका फाइनल आंसर जो कि हमने डी इनवर्स कैलकुलेट किया है। ये क्या है, डी इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ डी, ये हमने फाइंड आउट किया। सो हमारा आंसर क्या आया, 8 - 3 - 4 × 2, ठीक है, ये हमारा आंसर आया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए, और उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आई होगी। अब आप बी पार्ट इसका खुद जो है वो सॉल्व करेंगे, ताकि आपके इस कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और वो आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल, और आपने अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से किया है तो आपके लिए वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत इजी आपके लिए होगा क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आप उसका पार्ट नंबर दोनों ही मुझे करवाने होंगे क्योंकि वो डिफरेंट है दोनों ही, बट देखते हैं इंशाल्लाह। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं करवाऊंगा तो राइट हैंड साइड आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग फर्दर सॉल्यूशन जो है वो इसके करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लेंथी हो जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह लेक्चर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 फिलहाल देख लेते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट भी है और वीडियो भी जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है उससे करते हैं। क्वेश्चन 5 है ये, ठीक है। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा हुआ है, डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट सिंपल इनको देखना है कि क्या ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं या एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है, ठीक है। सो इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो आपके सामने है। क्या है, एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और एक आपके पास सेकंड मैट्रिक्स जो है वो गिवन है। मैट्रिक्स जो 1 है वो आपके पास है 3 5 4 7, 3 5 4 7। मैट्रिक्स जो सेकंड है वो है 7 -5 -4 3, 7 -5 -4 and 3। ये आपके पास मैट्रिक्स हैं जो दो गिवन है आपको पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। इनका हमने क्या बताना है कि क्या ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं या नहीं है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि चूंकि इनकी स्टेटमेंट में भी आप देखते हैं जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एंड लिखा हुआ है, एंड, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, वही पिछले वाला मेथड जो आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ कि आपने रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है, 3 × यानी 7 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल लंबा ही चलेगा क्वेश्चन, लेंथी हो जाएगा, सो ये ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देखें 3 × 7 आ जाएगा, प्लस और 5 × -4 आ जाएगा, -4 आ गया, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस छोड़ी, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि आगे 3 × -5, 3 × -5, प्लस नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 5 × 3, ठीक है। सो ये मैंने डबल बोर्ड जो है इसके लिए यूज कर लिया। आप देखें नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 7 आ जाएगा, 7 × -4 आ जाएगा, 4 × -5 आ जाएगा, प्लस 7 × 3 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक हमारा जो है वो क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है सिंपलीफाई थोड़ा सा कर लेंगे। किस तरीके से, 3 × 7 = 21, प्लस माइनस माइनस 5 4s are 20, 3 5s are 15, -15 आ जाएगा, प्लस 5 3s are 15, 4 7s are 21, सॉरी 28, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 7s are 28, ठीक है, 4 5s are 20, -20, सॉरी ये माइनस है 7 5 के, प्लस 7 3s are 21, ये आ गया आपके पास। अब आप देखें कि इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या आता है, 21 में से 20 माइनस करें 1 आ जाएगा, 15 + 15 - 15 कैंसिल, दैट इज 0, 28 + - कैंसिल 0, 20 में से 21 में से 20 माइनस कर दिए तो हमारे पास 1 आ गया। आंसर आपका आ गया इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब भी आपका आंसर मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो आप लोग क्या लिखेंगे नीचे, दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इच अदर मैट्रिसेस
आप लोग ये लिखते हैं, मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये आपका जो है वो टोटल क्वेश्चन था। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 को वो सॉल्व करना है और बताना है कि मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं, किस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 2। सो ये वाला पार्ट जो है वो मैं इरेज कर रहा हूँ। ये आपका जो है सेकंड पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। सेकंड पार्ट है आपके पास। दो मैट्रिसेस आपके पास सेम एज इट इज गिवन है, एक मैट्रिक्स और एंड लगाया हुआ है दरमियान में और आगे सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स है 1 2 2 3, 1 2 2 3, और एक मैट्रिक्स है आपके पास -2 -3 2 2 -1 -3 2 2 -1, ये आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। इन दो मैट्रिसेस को आपने क्या करना है, सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, क्या आ जाएगा, 1 × -3 प्लस 2 × 2, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 1 × 2 प्लस 2 × -1, ठीक है। 2 × -3 प्लस 3 × 2, ठीक है। नेक्स्ट 2 × 2 प्लस करेंगे 3 × -1, ठीक है। ये आपका जो है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब आप देखें कि हम लोग इन्हें सिंपलीफाई करते हैं। 1 − 3 दैट इज -3 प्लस 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, -6 माइनस है साथ में तो प्लस 3 × 2 = 6, 1 × 2 = 2 प्लस 2 × 1 =, ये सॉरी प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस है 1 के साथ, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3, ठीक है। यहाँ तक करेंगे और ये आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, 1 आंसर। प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 1, 2 में से 2 0, 6 0, 4 में से 3 1, ये प्लस कहना तो ये दोनों भी कैंसिल होते हैं तो 0 आते हैं, ठीक है। सो ये किसके इक्वल आ गया, अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सो जब आपका मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आंसर आ जाए तो ये मैट्रिसेस आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये आपको देखेंगे, ठीक है। So, यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखा, इन दोनों क्वेश्चंस की आपने अगेन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसको करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। एडजॉइंट ऑफ ए आपने ले लेना है और साथ में ए मैट्रिक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर नेक्स्ट आगे इक्वल है, उसमें भी आपने एडजॉइंट जो है उसका ए का ले लेना है, फिर आगे ए से उसको मल्टीप्लाई कर देना है।
नेक्स्ट आपका जो इक्वल के आगे लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए, आप डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लेंथ ही ज़्यादा है, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं करवाया। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी पर ही बेस करेगी और इसी को ही हम लोग इंशाल्लाह उस वीडियो में कवर करेंगे। सो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को आज के लेक्चर की भी समझ आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।